फंडिंग के तो आप माहिर रह चुके हैं इसका हाँ, it, अप टू दिस फंड ये हो चुका <laughs> था तो मुझे पता था कि यही होना है आ, और बस दो रास्ते थे एक आसान था एक मुश्किल था आसान तो वही था कि मैं अपनी जॉब को एंजॉय करता राइट right. तनख्वाह उठाता right. प्राइवेट प्रैक्टिस करता पैसे बनाता लेकिन वो तरबियत ऐसी नहीं थी मतलब hmm. वो रास्ता ऐसा चुना ही नहीं था hmm. विजन दूसरा था कुछ लोगों को जमा किया हमने एक फाउंडेशन बनाई रुपयादा फाउंडेशन मतलब ये Friends of cardiac surgery और सिविल हॉस्पिटल में हमने बनाने दिया कोई 2000 2000 में पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुई वहाँ पर ठीक है और अब तक कोई साढ़े दस हजार ऑपरेशन हो चुके हैं ऑल फ्री तो वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक वो था जैसे बाकी की जगह वहाँ पर भी जो स्टूडेंट जो हाउस जॉब करा करते थे वो आके मेरे वार्ड में आके शाम को बैठ देते आपस में

तो हम चार डॉक्टर जफर जैदी जो मेरे साथ हैं फिर डॉक्टर अमीन चुनाए वो भी हमारे साथ हैं एक हमारे सीनियर थे वो मुझे यहाँ मिले थे तो उनसे फिर हमने यहीं कहा कि अब कुछ करना चाहिए तो हम लोगों ने मीटिंग्स करना शुरू कर दी कि कुछ देखते हैं हम मीटिंग हम सुबह फजर की बात करा करते थे क्योंकि वाक, अच्छा वाक वो सबसे वक्त अच्छा वक्त वही होता है ना कोई टेलीफोन होता है ना कुछ होता है आराम से बात करके और फिर 2000 हज़ार यहाँ कुरंगी में एक हॉस्पिटल था इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल करके ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे धाबी में अबूदाबी मेंसनल फिजिशियन टू शेख जैद बिन सुल्तान ये इनका एक ख्वाब था वो वो ज़माना था जब कोत वॉर चल रही थी तो उनका ये था कि क्रिश्चन मिशनरी हॉस्पिटल होते हैं तो इस्लामिक मिशन क्यों नहीं हो सकता है तो उन्होंने कोई बीस एकड़ जगह हासिल की वहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू की नर्सिंग कॉलेज बना दिया इट लेट अर्ली में कॉलेज शुरू हो गया था हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार होना शुरू हो गई थी नाइन्टीज के जो हालात थे एट्टी सेवन से कराची के हालात खराब होना शुरू हुए हो थे वहाँ से फिर नाइन्टी टू पर बहुत बुरे हालात थे तो डॉक्टर साहब के घर पर कोई उनके ऊपर थ्रेट्स आए उनके घर पर फायरिंग हुई तो वो सब छोड़ छाड़ के चले गए हॉस्पिटल भी छोड़ हॉस्पिटल सब छोड़ छाड़ के यू के चले गए यहाँ बाकी ट्रस्टीज़ ने कोशिश की वो चला नहीं सक रहे थे तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था तो हम जगह देख रहे थे तो हमारे कुछ दो दोस्त थे जो के कॉमन थे जो उनको भी देते थे तो वो कहते यार वहाँ कुछ होता नहीं है तुम तो लोग ये ले लो इट सही हेयर टू कन्विंस दैम कि भाई मिल के कर लेते हैं जॉइंट वेंचर कर लेते हैं उसको करा देते हैं हम फ्री करा रहे हैं आप तो पहले भी थोड़े थोड़े पैसे लेते थे तो अल्हमदल्ला दो में हमारा एग्रीमेंट हो गया और हमने उसकी जो है डिजाइनिंग शुरू करा दी और 2005 मई में हमने काम शुरू करा दिया पैसे वैसे नहीं थे लेकिन एक चीज़ ये आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रही है हाँ बस वो भाई क्योंकि हम तो नज़र हमारी अल्लाह की तरफ हो राइट यकीन जो है ना वो हमारा पुख्ता था कि अल्लाह कर देगा तो मैं हमने 2005 में इसका मई में ठेकेदार को बोला काम शुरू कर दो क्योंकि बिल्डिंग जो थी हॉस्पिटल की वो ग्राउंड प्लस वन तो फिनिश थी उसके ऊपर वो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर था वो एनालाइज किया उसको फिर उस पर चेंजेस करनी थी तोड़ताड़ा करना था उसको कल तुम काम शुरू करा दो राइट right. और उसके बाद बिल दे दिया करना ताकि मांगने में आसानी हो <laughs>